नमस्कार दोस्तों, मैं भुवन भंडारी। इजी ट्रेडिंग टिप्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाला कैंडलस्टिक के बारे में जानेंगे, जो हमें जितने भी कैंडलस्टिक्स हैं उनमें से सबसे ज्यादा टारगेट देता है, चाहे वो फॉरेक्स हो, कॉमोडिटीज हो, स्टॉक्स हो या अन्य जितने भी ट्रेडिंग हो जिनमें कैंडलस्टिक चार्ट यूज किया जाता है टेक्निकल एनालिसिस के लिए। उन सारे मार्केट्स में ये हमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट देता है, अगर हम इसे अच्छे से पहचान कर ट्रेड करें तो। और आज मैं इस वीडियो में इस पैटर्न को यूज करके ट्रेड करने का सबसे इजी तरीका भी सिखाऊंगा, जो मैं खुद यूज करता हूँ अपने ट्रेडिंग में। इस पैटर्न को हम इन्वर्टेड हम्मर बोलते हैं। इन्वर्टेड हम्मर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये उल्टा हम्मर है। अगर हम हम्मर कैंडल को उल्टा कर देते हैं तो ये इन्वर्टेड हम्मर हो जाता है। लेकिन हम्मर और इन्वर्टेड हम्मर का काम सेम है, मगर हम्मर के तुलना में ये हमें डबल प्रॉफिट देता है। आज हम यही इन्वर्टेड हम्मर कैसे होते हैं और इनका सक्सेस रेशियो क्या होता है ये देखेंगे। साथ ही बाइनरी में लॉस होने का मेन रीजन का भी हिंट दूंगा। इससे पहले हमने बुलिश एंगलफिन, बेरिश एंगलफिन, हम्मर और शूटिंग स्टार को पहचानना सीखा। आज हम इन्वर्टेड हम्मर को पहचानेंगे और अगली वीडियोज में हैंगिंग मैन, ग्रेविस्टोन डोजी और ड्रैगन फ्लाई डोजी, बस यही 8 पैटर्न्स को सही पहचानना है। इनके अलावा जितने भी टॉप पैटर्न्स हैं, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, पीरसिंग पैटर्न, डार्क क्लाउड कवर, हरामी, नेचुरल डोजी आदि इत्यादि, इनके बारे में जानना बुरी बात नहीं है, जानिए। लेकिन ट्रेड इन 8 पैटर्न्स पर कीजिए। 4 पैटर्न्स बाई सिग्नल लेने के लिए और 4 पैटर्न्स सेल सिग्नल के लिए। अगर मैं आपको ऑनेस्टली बोलूं तो मैं इन 8 पैटर्न्स के अलावा अन्य पैटर्न्स पर ट्रेड नहीं करता हूं। जब मुझे इनसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट इन पैटर्न्स पर मिलता है तो मैं इन पैटर्न्स पर क्यों करूं? इन पैटर्न्स को पहचानने के बाद हम इन पर ट्रेड कैसे करते हैं ये सीखेंगे। तो अब हम आज का टॉपिक को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियोज अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। इन्वर्टेड हम्मर वो होता है जो किसी भी मार्केट को डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर देता है, और सारे इन्वर्टेड हम्मर डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट नहीं करते हैं। सिर्फ परफेक्ट इन्वर्टेड हम्मर ही डाउन ट्रेंड को रोक कर ट्रेंड चेंज कर देता है। अगर 100% परफेक्ट इन्वर्टेड हम्मर बनता है तो जितना भी हेवी डाउन ट्रेंड हो उसे तुरंत अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर देता है। आज हम यही 100% परफेक्ट इन्वर्टेड हम्मर कैंडलस्टिक को पहचानेंगे। 100% परफेक्ट इन्वर्टेड हम्मर कैंडलस्टिक पहचानने से पहले हमें इन्वर्टेड हम्मर कैंडलस्टिक पैटर्न को पहचानना होगा, और ये पहचानना बहुत ही आसान है। कोई भी एक रेड कैंडल के बाद छोटा लोअर बॉडी और लंबा अपर लेग का ग्रीन कैंडल बनता है तो उसे हम इन्वर्टेड हम्मर कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं। किसी भी डाउन ट्रेंड में इन्वर्टेड हम्मर कैंडलस्टिक बनने के बाद लोग खरीदारी करते हैं और ट्रेडिंग में मुनाफा कमाते हैं। वो मुनाफा तब मिलता है जब ये 100% परफेक्ट इन्वर्टेड हम्मर बनता है। अब हम 100% परफेक्ट इन्वर्टेड हम्मर कैंडलस्टिक बनने का कंडीशन को जानते हैं, और ये जानना बहुत ही आसान है। सिर्फ 3 इजी कंडीशंस हैं जिनको आपको याद करना है। नंबर 1, छोटा लोअर ग्रीन बॉडी और उस बॉडी के तुलना में 2 से 3 गुना अपर लेग होना चाहिए। 2 से 3 गुना लेग होकर भी अगर उससे पहले वाला रेड कैंडल ज़्यादा बड़ा होता है तो ऐसे कंडीशन में इन्वर्टेड हम्मर का अपर लेग रेड कैंडल के बॉडी का 80% क्रस करना चाहिए। बॉडी इससे मोटा भी नहीं होना चाहिए और इससे पतला भी नहीं होना चाहिए। नंबर 2, बॉडी के नीचे इस तरह छोटा सा लेग होना चाहिए, लेकिन लोअर लेग इससे बड़ा नहीं होना चाहिए।
नंबर तीन, इन्वर्टेड हम्मर सपोर्ट और ओवरसोल्ड जोन पर बनना चाहिए, या फिर तीन लगातार रेड या उससे ज़्यादा रेड कैंडल्स के बाद बनना चाहिए। बस यही तीन कंडीशंस जब मिलता है तब 100% परफेक्ट इन्वर्टेड हम्मर कैंडल बनता है, जिसका सक्सेस रेट लगभग 90% होता है। और ऐसा भी नहीं है कि ये तीन कंडीशन से थोड़ा बाहर इन्वर्टेड हम्मर कैंडल बनने पर ट्रेड नहीं करना है, ट्रेड करना है, लेकिन उस पर सक्सेस रेट इनके तुलना में थोड़ा कम मिलेगा। कितना मिलेगा ये देखते हैं। ये 100% परफेक्ट है, इसने तीनों कंडीशंस को मीट किया है। अगर ऐसा कैंडल सपोर्ट एरिया या ओवरसोल्ड जोन में मिलता है तो ये हमें लगभग 90% सक्सेस रेट देता है। ये भी परफेक्ट इन्वर्टेड हम्मर है, सब कुछ सेम है इसी कैंडल की तरह, मगर इसमें नीचे लेग बिल्कुल नहीं है, इसलिए ऐसे कैंडल्स पर सक्सेस रेट अराउंड 75% का मिलता है। ये भी सेम है लेकिन इसके नीचे लेग ज़्यादा बड़ा है, इसलिए ऐसे कैंडल्स पर सक्सेस रेट 75% का ही मिलता है। इसमें नीचे सब कुछ ठीक है लेकिन ऊपर लेग कम है, बॉडी के तुलना में 2 से 3 गुना लेग चाहिए जो यहाँ पर नहीं है, इसलिए ऐसे कैंडल्स का सक्सेस रेट 60% से कम का होता है। इसमें सब कुछ ठीक है, नीचे भी लेग ठीक है, ऊपर भी लेग ठीक है, लेकिन बॉडी बहुत ही पतला है, इसलिए ऐसे कैंडल्स पर भी सक्सेस रेट 60% के आसपास ही होता है। ये भी सेम दिखता है लेकिन इसमें बॉडी बिल्कुल नहीं है, जहां मार्केट ओपन हुआ वहीं क्लोज हो गया, इसलिए ऐसे कैंडल्स का सक्सेस रेट भी लगभग 60% का ही मिलता है। हमें बेस्ट रिजल्ट लेने के लिए सिर्फ इस तरह का पैटर्न पर ही ट्रेड लेना है। 2-4% इधर उधर होता है कोई बात नहीं, लेकिन पैटर्न का शेप एग्जैक्ट ऐसा ही होना चाहिए। अब मैं आपको इस पैटर्न से ट्रेड करने का बहुत ही सिंपल तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आप अपने चार्ट पर 10 पीरियड का एक बुलिंजर बैंड ऐड कीजिए, सिंपल सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने के लिए। वैसे हम फॉरेक्स के लिए 20 पीरियड का स्टैंडर्ड बुलिंजर बैंड यूज करते हैं, लेकिन सिग्नल्स जल्दी मिले इसलिए सिर्फ इस पैटर्न पर 10 पीरियड का भी हम बुलिंजर बैंड यूज कर सकते हैं। अब आपको इन्वर्टेड हम्मर कैंडलस्टिक देखना है सिर्फ बैंड के लोअर लाइन पर। बहुत से लोग किस टाइम फ्रेम पर सिग्नल लेना है ये कमेंट्स करते हैं, तो आप किसी भी टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा रिजल्ट लेने के लिए 5 मिनट्स, 15 मिनट्स और 1 आवर डे ट्रेडर्स के लिए सबसे बेस्ट रहेगा। और बाइनरी के लिए 1 मिनट टाइम फ्रेम पर सिग्नल मिलने के बाद 1 मिनट टाइम फ्रेम एक्सपायरी का नेक्स्ट कैंडल के लिए ट्रेड लेना है, और 5 मिनट्स पर सिग्नल मिले तो 5 मिनट्स एक्सपायरी का ट्रेड ले सकते हैं। और बाइनरी में लॉस होने का सबसे बड़ा कारण है कि हम इन पैटर्न्स को बाइनरी प्लेटफॉर्म पर ढूंढते हैं, जबकि ये पैटर्न्स रियल टाइम फॉरेक्स चार्ट पर ही बनते हैं। बाइनरी प्लेटफॉर्म में ये चार्ट्स रियल टाइम फॉरेक्स चार्ट से कॉपी होते हैं, इसलिए छोटे टाइम फ्रेम में कॉपी होते वक्त 100% परफेक्ट नहीं भी बन सकते हैं। इसलिए अगर आपको बाइनरी में लॉस कम करना है तो सबसे पहले अपने प्लेटफॉर्म पर लाइन चार्ट सेलेक्ट कीजिए, ताकि आप वहां से कोई भी एनालिसिस नहीं कर पाए। इजी ट्रेडिंग टिप्स के मल्टीपल फॉरेक्स चार्ट से भी आप सिग्नल ले सकते हैं, या फिर MT4 से सिग्नल लेकर बाइनरी में ट्रेड लगा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन पर टॉप 3 बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर्स का लिंक है, आप वहां से चाहे तो डेमो अकाउंट क्रिएट करके परफेक्ट सिग्नल्स वहां से ले सकते हैं। फॉरेक्स ट्रेडर्स को भी अनुरोध है कि इन्वर्टेड हम्मर का बॉडी बहुत ही छोटा होने के कारण ये एक सेंसिटिव पैटर्न है, इसलिए इसका सिग्नल आप हर कोई MT4 प्लेटफॉर्म से लेंगे तो 5 मिनट्स और 15 मिनट्स के कैंडलस्टिक में 100% परफेक्ट फॉर्म नहीं भी हो सकते हैं। इसलिए डिस्क्रिप्शन पर टॉप 3 बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर्स का लिंक है, उनका MT4 यूज कीजिए। आप अगर हमारे रेकमेंडेड ब्रोकर से जुड़ेंगे तो आपको हमारा भी सपोर्ट मिलेगा। सही प्लेटफॉर्म में बुलिंजर बैंड के लोअर लाइन पर अगर आपको परफेक्ट इन्वर्टेड हम्मर मिलता है तो उसके बाद आपको 2 कन्फर्मेशन और लेना है।
नंबर वन, इन्वर्टेड हैमर से पहले मिनिमम 3 रेड कैंडल्स है कि नहीं। नंबर टू, वो रेड कैंडल्स बैंड के मिडिल लाइन के ऊपर से आना चाहिए। बैंड के ऊपर वाले लाइन से ना आकर नीचे वाले लाइन को धकेल धकेल कर अनकंट्रोल होकर आ रहे हैं तो वो उतना काम नहीं करेगा जितना हमें चाहिए। ऐसे अनकंट्रोल मार्केट में कभी भी एंट्री नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारा पैसा डूब जाएगा। ये एग्जाम्पल से मैं क्लियर करना चाहता हूँ, इस नदी का जल स्तर घुटने से भी ऊपर है लेकिन इसका बहाव नेचुरल है, इसलिए इस नदी को हम आसानी से पार कर सकते हैं। लेकिन इस नदी का जल स्तर पहले वाले से बहुत कम है, फिर भी बहाव तेज है, नदी अपने कंट्रोल में नहीं है। अगर हम ऐसे नदी के उस पार जाना चाहें तो हम उस पार जा भी सकते हैं और नदी में बह भी सकते हैं। उस पार पहुंचने की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इसमें अपवाद को छोड़कर उस पार पहुंचने की गारंटी है। इसी तरह ऐसे कंट्रोल मार्केट में इस तरह बैंड के लोअर लाइन में सपोर्ट लेके इन्वर्टेड हैमर बनता है तो अपवाद को छोड़कर टारगेट में पहुंचने का गारंटी होता है, और ऐसे अनकंट्रोल मार्केट में कोई गारंटी नहीं होता है। जिस तरह तीव्र बहाव वाले नदी में लोग डूब जाते हैं, उसी तरह ऐसे अनकंट्रोल मार्केट में भी हमारा पैसा डूब जाता है। इसलिए इन दो पॉइंट्स को याद में रखिए और इस लाइन को टच करके बनने वाले 100% परफेक्ट इन्वर्टेड हैमर पर ही ट्रेड लीजिए, अगर आपको ट्रेडिंग में मुनाफा कमाना है तो। बाकी आपकी मर्जी है, मेरा उद्देश्य आपको सही गंतव्य दिखाना है। चलने वाले अपने गंतव्य में पहुंच जाएंगे और भटकने वाले भटकते ही रह जाएंगे। मैंने इस वीडियो के शुरू में ही कहा था कि सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स में से ये हमें सबसे ज़्यादा टारगेट देता है। इसमें टारगेट इसलिए ज़्यादा मिलता है क्योंकि इसका स्टॉप लॉस सारे पैटर्न्स में से सबसे कम का होता है। टारगेट और स्टॉप लॉस कैसे सेट करना है ये देखते हैं। जैसे हमें यहाँ पर ये परफेक्ट इन्वर्टेड हैमर मिला, 100% परफेक्ट सिग्नल मिलने के बाद सबसे पहले हम स्टॉप लॉस लगाएंगे जो इसी कैंडल के लो के थोड़ा सा नीचे का होगा यहाँ पर। अगर इससे पहले वाले रेड कैंडल का लो इससे भी थोड़ा नीचे का है तो उस रेड कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है, और रेड कैंडल का लो इससे भी ज़्यादा बड़ा है तो उस सिग्नल पर ट्रेड नहीं करना है, नहीं तो हमारा स्टॉप लॉस ज़्यादा हो जाएगा। स्टॉप लॉस लगाने के बाद प्रॉफिट टारगेट लगाना है जो मिनिमम 1:2 का होगा, यानी स्टॉप लॉस जितना है उसका डबल होगा यहाँ का। आपको इस जगह पर हॉरिजॉन्टल सपोर्ट या ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट मिलता है तो मिनिमम टारगेट 1:3 का होगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन परफेक्टली कैसे ड्रॉ करते हैं इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, आपने अभी तक नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, उसे देख लीजिएगा, आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। अगले वीडियो में हम हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानेंगे। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।